हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पेज में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और 25 का क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मेरे दिया हुआ, उसमें आप देख सकते हैं। चलिएगा 26 नंबर का क्वेश्चन। यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपाते सी का मान बताइएगा। देखेंगे क्वेश्चन कैसे लगेगा। कह रहा है ए बी से 20 से 40% ये अधिक है, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 का गुणा भाग हो जाएगा। और कह रहा है बी ए जो है 20 से 40% ये अधिक है, तो अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये कह रहा है। अगला फिर क्या कह रहा है, कह रहा है बी सी से 20% कम है, तो बी जो है सी से 20% कम है। इसका मतलब 20% का मतलब इसका मतलब ये 80 है। अगर हम इसमें 80% का गुणा कर देंगे, परसेंटेज हटाने के नीचे 100, इसका मतलब कह रहा है कि बी जो है सी से 20% ये अधिक है, 20% कम है। इसका मतलब ये 80 है। ये कितना है, 80% है। तो अगर हम सी में गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। अब मान पूछ रहा है कि ए और सी का रेशियो बताइए, ए और सी का रेशियो बताइए। तो देखेंगे एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कट जाएगा, फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 5 10 और 2 7 14। इसको भी काटेंगे, एक जीरो इसको काटेंगे, एक जीरो इसको काट दें, या तो 20 से सीधे काट दीजिए, 20 5 100 और 20 4 80, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये आपके b बराबर c इंटू 4/5, ये हो गया। ये भी काट दिया है तो ये a बराबर हो जाएगा 7/5 b। इसको चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब b को a के नीचे ले आएंगे तो a बटे b, इधर गुणा है नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, बटे 7/5 हो गया। तो a रेशियो b बराबर हो जाएगा 7/5, 7:5 या 7/5 इस तरह से लिखेंगे। इसको भी देखिए, यहां c है गुणा है, इसके b के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो b बटे c बराबर 4/5। अब b रेशियो c बराबर हो जाएगा 4:5। अब देखिए अनुपात रेशियो में हो गया है। अब पूछ रहा है कि ए बी ए और सी का मान बताइए, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, ए बी और बी और सी इस तरह से दिया जाता है, इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में और इसका गुणा इसके साथ में। अब ये जो मान निकल के आते हैं गुणा करके, ये ए बी और सी की तरह निकलेगा। ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी और ये सी की वैल्यू। जब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये सी की वैल्यू हो जाएगी। या हम कह सकते हैं ए और बी का गुणा पहले कर लेंगे और बी इंटू बी का गुणा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा बी सी इस तरह से। तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, ये सी की वैल्यू हो जाएगी, ये इस तरह से करेंगे। तो ऐसे हम निकालेंगे 7 कितना है 7:5 और 4:5। अब यहां से 7 4 28 हो जाएगा, इधर से इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, 1 5 25 हो जाएगा। अब ये आपका a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो जाएगी, ये c की वैल्यू हो जाएगी। अब आपका क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यहां पर देखिएगा। अब ये जो आपकी वैल्यू a जैसे इसको बताया गया है वैसे यहां लिखेंगे। अब ए वाली जो वैल्यू आपका दिया गया कितना, 7, ये देखिएगा यहाँ पर ए और बी का मान दिया है, ये दिया है बी और सी का रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 7:5 और 4:5 इस तरह से आपका निकल आएगा। ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू होगी, ये सी की वैल्यू। तो यहाँ से इसका इसमें गुणा कर देंगे, 7 4 28 हो जाएगा और ये 5 25 4 5 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा, इधर इसमें गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ में गुणा होगा, 4 5 20 हो गया, ये 5 25 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू ए बी और सी।
अब आपका क्या करना है, कह रहा है ए और सी का मान बताइए, तो ए और सी का रेशियो निकालेंगे, तो ए की वैल्यू 28 है और सी का रेशियो कितना है 25, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपाते सी बराबर 4:5 हो, तो ए प्लस बी का अनुपात बी प्लस सी का अनुपात बराबर क्या होगा? तो क्या करेंगे, पहले यहां पर आपका दिया गया है ए अनुपाते बी बराबर हो जाएगा 2:3 और बी अनुपाते सी बराबर दिया गया है 4:5, तो इनको पहले क्या लिख देंगे, ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी। अभी बताया कि इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, और इसका गुणा इसके साथ में, और इसके सामने वाला ए हो जाएगा, इसके सामने वाला ए होगा, इसके सामने वाला बी हो जाएगा, इसके सामने वाला ये सी हो जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे, ए बी का गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी, बी बी का गुणा करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी, बी और सी का गुणा करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से इसमें करेंगे 2:3, 4:5, तो इसका 5 का 2 में गुणा करेंगे 8 हुआ, 3 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 का 5 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। तो ये आपका ए बी सी की वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान बताइए, यहां पर रख देंगे तो ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 12 है, ए कोष्टक में हो जाएगा, अनुपात ए बी की वैल्यू 12 और प्लस सी की वैल्यू 15 हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, आपका आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका मतलब यक्स बटे वाई बराबर 2:1 है, 2/1 हो गया, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको भी ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह करें, इसका हमको मान निकालना है, इसी का मान निकालना है, और आपका ये मान दिया रखा है, तो हम कह सकते हैं क्या, वाई को कॉमन ले लें, तो वाई स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर और माइनस वन, ऐसे इधर भी कॉमन ले सकते हैं, इधर वाई भी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से वाई कट जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा, और ये हो 2 × 2 = 4 और 1, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ हम रख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4/ कितना है, सीधे दी 4/1 का 1 हो जाएगा माइनस वन, और ये 4/1 प्लस वन, ये हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर की वैल्यू 4/1 है, या 4 लिख सकते हो, नीचे आपका इसको हटा देना है, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये सीधे हो जाए 4 - 1, और ये हो जाए 4+1, तो ये हो जाएगा 3/4 - 1 = 3 और 4 = 5, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 3:5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या कर सकते हैं, या हम यहाँ से कह सकते हैं x बराबर 7 है और y बराबर 3 है, ऐसे भी हम मान सकते हैं, इसको ऐसे भी मान सकते हैं, और या ऐसे ही हम कह सकते हैं x बटे y बराबर होगा 7/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। यहाँ से देखिएगा, ये आपका मान दिया है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, तो वाई कामन, एक वाई कामन हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक फार्मूला आपका होता है क्या, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर दिया हो तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई, इस तरह से इसको ये फार्मूला होता है, तो इसके स्थान पर ये लिख देंगे एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई, ये फार्मूले होते हैं, ये सूत्र से इसको लिखा गया है। आप यहां से देखिए, यहां x प्लस वाई और x प्लस वाई कट गया, आपकी वैल्यू y बटे x माइनस वाई आ गया। अब यहां से हम कह सकते हैं क्या, y की वैल्यू कितना है, देखिए x y की वैल्यू 3 है और
फिर यहां पर देखिए x बराबर 3 है, तो 3 माइनस 7, 7 माइनस 3 लिख सकते हैं इस तरह से। वैल्यू यहां पर दे रखा है, इसको उतार दीजिए तो ये 3/4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या होगा, तो इसका आंसर यहां पर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्टी नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक्स अनुपाते वाई बराबर 2:5 हो तो 3x+2y + 2x+5y बराबर क्या होगा। तो इसको पहले क्या कर सकते हैं, एक्स बटे वाई बराबर 2/5 लिख लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। इसको ऐसे उतारिए 3x+2y और बचे 2x+5y, यहाँ से क्या करेंगे y कॉमन ले लेंगे, तो 3x/y हो जाएगा और प्लस 2, और यहाँ पर भी y अगर कॉमन ले लेंगे तो 2x/y और प्लस 5, ये हो गया। यहाँ से y कट गया। अब यहाँ पर हमें x/y की वैल्यू 2/5 दिया गया, तो यहाँ रखेंगे 2×2/5 और प्लस 2, ये इस तरह से हो जाएगा। नीचे भी हो जाएगा 2×2/5 और प्लस 5 हो जाएगी, इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा है 2×2=4/5 प्लस 2, और ये हो जाएगा 2×4=5 प्लस 5, ये हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ कर लेंगे, एलसीएम ले लीजिए या इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 4+4×10, 5×10, 5×10/5 हो जाएगा। अब फिर पूरे का बटा फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो 4+5=25 हो जाएगा। अब पलट देंगे, इसको पलट देंगे, इधर लिख देता हूँ, ये 14/5 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 29/5 हो जाएगा। अब इसको पलट दीजिए, पलटने के बाद इधर लिखते हैं 14/5 और गुणे 5/29, क्या करेंगे, इसका साथ इसके गुणा हो जाएगा और इसका गुणा इसके साथ में हो जाएगा, तो पांच हर दोनों का 5/5 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 14/29, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये दूसरी की तरह लगाएंगे, आप यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं, x बराबर 3 दे रखा है और y बराबर आप 1 रखते हैं, सीधे ऐसे रख दीजिए। यहाँ पर रखेंगे x अनुपात 3, x क्यूब बट y क्यूब बटे x क्यूब प्लस y क्यूब, इसी पे मान लीजिए 3 का हो जाएगा 3×3=9 और 1 का हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3×3=27 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 26/28। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 13 और ये 14, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो और इसको काम लेके भी लगा सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं 31 तक के, अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।